So, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। नीट काउंसलिंग सेशन में अगर हम बात करें तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वहां पे आने वाले हैं। आज के सेशन में हम डिटेल स्टेप्स जो है आपका डिस्कस करेंगे यहां पे, और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको कैसे राउंड वन राउंड टू के लिए जाना है, आप रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है 14th ऑफ अगस्त से। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपका नीट काउंसलिंग सेशन में अगर हम बात करें तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वहां पे आने वाले हैं, जैसे कि आपका स्टेट वाइड काउंसलिंग कैसे होने वाली है, आपका ऑल इंडिया कोटा कैसे होने वाला है, और अगर आप आयुष के लिए जाने वाले हैं तो उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। आज के सेशन में हम डिटेल्ड स्टेप्स जो है आपका डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको कैसे राउंड वन राउंड टू के लिए जाना है, वो सब कुछ आज डिस्कस होने वाला है। सो दैट आप रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। सो बच्चों जैसे कि हम बात करते हैं नीट काउंसलिंग में, तो MBBS एंड BDS के लिए जो बच्चे जाने वाले हैं उनको पता है कि उसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो MCC कंडक्ट करती है, दैट इज मेडिकल काउंसिल कमेटी। ठीक है, और ये आपका ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा अलग अलग के लिए होगा। एंड देन इफ यू आर गोइंग फॉर नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तब भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो सारा प्रोसेस है, वो बाय MCC होगा। आयुष के लिए वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, BUMS एंड BSMS। बच्चों आयुष के लिए अगर आपको डिटेल्ड प्रोसेस चाहिए, स्टेप्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका MBBS एंड नर्सिंग के लिए ऑप्ट होने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज हमारे पास कोटा अवेलेबल है। तो अगर हम MCC के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगता है ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, और MBBS और BDS के लिए MCC के द्वारा ऑल इंडिया कोटा, एंड स्टेट वाइज हमारे पास 85% रिजर्व है फॉर स्टेट। ठीक है, एंड 15% ऑल इंडिया कोटा भी एप्लीकेबल होता है स्टेट वाइज आपका सिलेक्शन में। जो टॉप कॉलेजेस जो आपके अंडर MCC आने वाले हैं, टॉप कॉलेजेस वो हैं आपके BHU, MU, AMU, जामिया, एंड देन वी हैव AFMC, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिपमर, IPU। ये सारे आपके टॉप MCC के अंडर ऑल इंडिया कोटा में आने वाले हैं। सेम आपका गोज फॉर आयुष। सो नेक्स्ट बच्चों अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पहली चीज़ तो ध्यान रखेंगे कि अगर आप MCC के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो उसके लिए वेबसाइट अलग है, और अगर हम स्टेट वाइज काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी वेबसाइट अलग रहेगी। हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें MCC की, तो सबसे पहले हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा MCC.NIC.IN पे। हर चीज़ के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप MCC.NIC.IN पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, द रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड वन हैज़ बीन स्टार्टेड, और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो रिजर्वेशन है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, रजिस्ट्रेशन आपका उस हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा कितनी सीट्स हैं और कितना परसेंट आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। ठीक है, फिर हम याद रखेंगे दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका MCC जो आप करेंगे इसमें आपका रजिस्ट्रेशन अलग है, जब आप स्टेट वाइज काउंसलिंग के लिए जाएंगे उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन अलग होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आगे स्टेप्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये आपके MCC ने पूरा गाइडलाइन बता दिया है आपके डेट वाइज, कब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कब तक लॉकिंग पीरियड रहेगा, कब उसका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, कब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे। ओके, सो आपका ये पूरा सीक्वेंस चलने वाला है फ्रॉम द 14th ऑफ अगस्त टू 16th ऑफ अक्टूबर। 30th अक्टूबर तक सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो जस्ट वन मंथ का इस बार आया है थोड़ा बहुत डिले, बाकी सारी चीज़ बिल्कुल ऑन प्रोसेस है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया, दैट इज रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन क्या होगा, आपका फी पेमेंट होगा, देन आपका चॉइस फिलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग। ठीक है, कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ, एंड लास्ट में आएगा आपका सीट अलॉटमेंट। तो ये स्टेप्स रहेंगे आपके। ठीक है, आप फीस पेमेंट पे जाएंगे
और फीस पेमेंट कैसी रहेगी आपकी, दो तरीके की फीस होती है, वन फीस इज रिफंडेबल एंड अदर फीस इज नॉन रिफंडेबल। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया बच्चों, सेकेंड स्टेप विल बी फीस पेमेंट। फीस पेमेंट आपकी दो टाइप की फीस होती है, नॉन रिफंडेबल एंड रिफंडेबल। ठीक है, रिफंडेबल आपको वापस हो जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, नॉन रिफंडेबल फीस वापस नहीं होती है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो उसमें नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है, आपको देने हैं, लेकिन अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो आपका रिफंडेबल है वो है सपोज 10,000, आपने 10,000 दिए हैं टोटल। ठीक है, 10,000 प्लस 1,000 दोनों फीस मिला के देनी है, तो उसमें से 1,000 जो है वो रिफंडेबल नहीं है, 10,000 रिफंडेबल हो जाएगी। अगर हम किसी डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे रिफंडेबल है 2 लाख रुपीज़ और नॉन रिफंडेबल है 5,000, तो टोटल आप देंगे 2,05,000 रुपीज़। ठीक है, उसमें से जो 5,000 है वो वापस नहीं होगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जो रिफंडेबल हो जाएगी दैट विल बी 2 लाख रुपीज़। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एंड सेकेंड बहुत सोच समझ के एडमिशन के लिए ऑप्ट करना है। ओके, चलिए तो आ जाते हैं आपका अब प्रोसेस पे। सबसे पहले बच्चों राउंड्स होते हैं आपके, अप्रॉक्सीमेटली 4 राउंड्स आर देयर, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड लास्ट इज फॉर स्ट्रे वैकेंसी। ठीक है, मॉप अप राउंड के बाद आपका स्ट्रे वैकेंसी के लिए आता है, लास्ट में कोई सीट बच जाती हैं उसके लिए वापस से स्टार्ट होता है राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में। चलिए तो आ जाते हैं, थर्ड स्टेप था चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। आपने रजिस्ट्रेशन किया, मैंने आपको फीस का प्रोसेस बता दिया कितना फीस आपको पे करना है, देन चॉइस फिलिंग। बच्चों इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, आपकी जो भी प्रेफरेंस है कॉलेज की बहुत ध्यान से फिल करिएगा। आपने चॉइसेस फिल की, आपको सपोज एम्स चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, एम्स दिल्ली चाहिए। ठीक है, देन आपको सेकंड नंबर पे एम्स ऋषिकेश चाहिए, देन आपको फॉर एग्जांपल थर्ड फिर कोई अदर कॉलेज चाहिए, तो इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस भरेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब ये भी होता है कि आपको 3-4 दिन दिए जाते हैं, आप आराम से भरिए। आप एक बार आपके वो 3-4 डेज़ का या 2 डेज़ का जो वो है आपका विंडो बंद हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट जो आपकी चॉइसेस हैं वो लॉक हो जाती है, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, पहले इंपॉर्टेंट चीज़। तो आप आराम से 1-2 दिन लेके अपने चॉइसेस फिल कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, हर प्रोसेस के लिए हर स्टेप के लिए आपको वापस से चॉइसेस फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, हर प्रोसेस मतलब हर राउंड के लिए, आपका AIQ वाला MCC के लिए अलग और स्टेट वाइज के लिए भी आपको बार बार ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आराम से बिल्कुल चिल होके आप चॉइसेस भरिए, लेकिन ध्यान से भरिए कौन सा आप बेस्ट कॉलेज जो आप चाहते हो वो आप सबसे पहले भरिए। ठीक है, एंड यू कैन फिल एन नंबर ऑफ चॉइसेस, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए अब आप चलते हैं आपका राउंड 1 की तरफ। तो क्या हुआ आपका राउंड 1, सपोज करो स्टार्ट हो गया है तो आपको कॉलेज जो भी आपने चॉइस फिल की है वो सपोज करो कॉलेज आपका मिल गया है, अगर आपका कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो आप तो आप वहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस के लिए जाएंगे, जो भी आपको डेट्स दी हुई हैं आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, एंड आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, चलो अब सेकेंड केस क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको कॉलेज जो आपको चाहिए वो नहीं मिला, ऐसा हो सकता है ना कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, यार आप कहोगे यार कोई और कॉलेज मिल जाता या मिल सकता था, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉलेज वो नहीं चूज़ करना है तो आप लेकिन तभी भी जाइए एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के साथ साथ आपको एक अपग्रेडेशन फॉर्म मांगना होता है, आप वो ज़रूर मांगिए कॉलेज से। अपग्रेडेशन फॉर्म मतलब कि अगर मुझे सेकेंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज पसंद आता है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे अपग्रेड कर देंगे फ्रॉम दिस कॉलेज टू दैट कॉलेज। लेकिन अगर आपने वो अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे, अपग्रेड नहीं कर पाएंगे और ना ही आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेंगे, तो बहुत ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, तो देखिए अगर कॉलेज सेलेक्ट हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कॉलेज रिजेक्ट कर लिया अगर आपने तो आप एक तो राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाते हो, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना। ठीक है बच्चे, सेकंड लेकिन कॉलेज जाइए एडमिशन लीजिए अपग्रेडेशन फॉर्म लीजिए, अगर आपको राउंड 2 में मिलता है कॉलेज तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं और कॉलेज आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, फीस नहीं भरनी बार बार, डोंट वरी। ठीक है, एक और स्टेप है आपके पास कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपका मनपसंद आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप
स्टेट काउंसलिंग जो स्टार्ट हो गई है आपके पर्टिकुलर स्टेट में, उसके लिए भी जाते हैं। अब नई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों, जो आपकी स्टेट की जो काउंसलिंग्स हैं, आपके जो भी स्टेट्स हैं, उन सब ने अलग अलग डेट्स दी हैं। कई बार आपका AIQ राउंड वन है, उसके जैसे ही एंड टाइम होता है, उस टाइम पे आपका स्टेट काउंसलिंग राउंड वन स्टार्ट हो जाता है। साइम पैरेलल भी चलती हैं डेट्स, तो आप अपने स्टेट वाइज ध्यान से डेट्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा मैं बता दूं, अगर आपने यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया है, कॉलेज रिजेक्ट कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एनरोल्ड फॉर राउंड टू, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेकिन आपको फिर भी जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है उसमें जाना है, एडमिशन लेना है, ठीक है, एक अपग्रेडेशन फॉर्म लेना है, ताकि आप विड्रॉ करना चाहो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी वापस मिल जाएंगे और आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। या तो आप स्टेट काउंसलिंग के राउंड वन में जा सकते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग में क्या होगा, सेम प्रोसीजर जो यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन होगा। याद रखना, ये रजिस्ट्रेशन अलग है, ये रजिस्ट्रेशन अलग है। आपका जो भी स्टेट है, सपोज करो आपका स्टेट उत्तराखंड है, आप वहाँ की उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर से, फिर आप क्या करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, फिर आप अगेन चॉइस भरेंगे, डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है उसका, एंड फिर आप एडमिशन के लिए जाएंगे, समझ गए। सपोज करो आप स्टेट, अपने जो भी स्टेट है उसके भी फर्स्ट राउंड में सपोज करो आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो आप ऑटोमेटिकली ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के लिए जाते हो आप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप राउंड वन में गए, आपने कॉलेज रिजेक्ट कर दिया, फिर आप स्टेट काउंसलिंग के राउंड वन में जाओगे, अगेन आपने कॉलेज रिजेक्ट कर दिया, वहाँ पे भी नहीं आया, और फिर आप वापस आएंगे आपके ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से राउंड टू के लिए आ गए हैं, AIQ राउंड टू, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, वापस से चॉइस फिलिंग आएगा विद द लॉकिंग पीरियड। सपोज करो 2 डेज का लॉकिंग पीरियड है, तो आराम से 2 डेज लीजिए, अपना चॉइस फिल करिए वापस से, ध्यान दीजिएगा, वापस से चॉइस फिल करिए, 2 डेज में वो वैसे ही अपने आप लॉक हो जाएगा अगर आप नहीं करते हो तो, ठीक है। फिर सीट अलॉटमेंट होगी आपको, आपको ये डेट्स वगैरह सब कुछ दी हुई हैं ऑलरेडी MCC की वेबसाइट पे। तो सीट जैसे ही कॉलेज आपका अलॉट होता है, अब अगर आपको यहाँ पे सेकेंड राउंड में बच्चों कोई कॉलेज मिलता है, सेकेंड का जो भी काउंसलिंग है उसमें अगर आपको कॉलेज मिलता है, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, बार बार ऐसे आप एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज मिल रहा है, इसीलिए बोलते हैं जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है उसको बहुत ध्यान से सोच समझ के छोड़ना है, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है तो आप कोई लॉस पे नहीं है, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, जैसे ही आपका सेकेंड राउंड में कॉलेज आया, तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, ओके। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको अब एडमिशन लेना है ही लेना है, अगर आपने फर्स्ट में नहीं लिया है तो, ठीक है। फीस अब रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप मोस्टली MCC की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, फिर आपके पास ऑप्शन ही स्टेट काउंसलिंग के लिए जाता है, ठीक। अगर आप इसके राउंड 3 के लिए जा रहे हैं तो आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। और अगर आप राउंड 2 के एडमिशन पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन फॉर्म नहीं मिलेगा। सपोज करो आप कॉलेज में गए, एडमिशन ले लिया आपने, लेकिन यहाँ पे आप बोलो कि यार मैं तो राउंड 3 के कोई अपने कॉलेज में जाना चाहता हूँ, अगर मेरा वहाँ फेवरेट कॉलेज आ गया तो अपग्रेडेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स क्या मुझे वापस मिलेंगे, नहीं मिलेगा। आप वो आपके पास ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट राउंड के बाद में ही था, ठीक है। अगर आपने कॉलेज रिजेक्ट कर लिया तो आप क्या करेंगे, राउंड 3 के लिए रजिस्टर करेंगे, या तो आप अपने स्टेट कोटा जाइए वापस, अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए जाइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका AIQ राउंड 3। इस तरीके से आपके AIQ राउंड चलेंगे, देन लास्ट इज मॉपअप राउंड, एंड उसके लास्ट आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अगर कोई वैकेंसी खाली बच जाती है तो। बच्चों MCC की वेबसाइट पे आपको हर चीज़ दी हुई है, लास्ट ईयर किस कॉलेज में कितनी सीट्स ओपन हुई थी, ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में कितनी सीट्स फिल हो चुकी थी, कितनी सीट्स नेक्स्ट राउंड के लिए गई थी, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। तो प्लीज़ उस वेबसाइट पे अच्छे से जितना भी PDF है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस एंड स्टेट वाइज जो आपके कॉलेजेस हैं उसमें ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आयुष के लिए भी बच्चों सेम प्रोसीजर ही होता है, जैसे आपका राउंड 4 राउंड्स होंगे, सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है।
फीस भी ऑलमोस्ट आपका नॉट जितनी आपकी AIQ के लिए या MBBS नर्सिंग के लिए है उतनी नहीं है, फीस आपकी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। ये बच्चों आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी हैं, स्टेट वाइज आपके हो गए, एम्स कितने हैं, जिपमर कितने हैं, देखिए टोटल मेडिकल कॉलेजेस रफ जो है हमारे पास 707 टोटल नंबर ऑफ MBBS की जो सीट्स हैं, एंड देन वी हैव गवर्नमेंट कॉलेजेस, सोसाइटी कॉलेजेस, एम्स कितने हैं हमारे पास, जिपमर कितने हैं हमारे पास, एंड प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आराम से देख सकते हैं। इस तरीके से क्लियर नहीं है तो आपके पास PDF भी है, जैसे मैंने आपको बताया MCG की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, किस कॉलेज में कौन सा कॉलेज, कौन से कितने स्टेट्स में कितने कॉलेजेस हैं, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन जिस बारे में मैं बात कर रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, सेव इट फॉर लेटर, और ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे कलेक्ट करके अभी से अपने पास रख लीजिए। क्या क्या चाहिए हो सकता है आपको? क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, सबने आए हो, बहुत ध्यान से संभाल के रखा हुआ है, राइट। देन यू हैव क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट विद यू, देन यू हैव नीट का एडमिट कार्ड, सबने नीट का एग्जाम दिया है ना, तो उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। देन यू हैव नीट का फॉर्म, जो कॉन्फर्मेशन पेज आया था आपका जब आपने फॉर्म भरा था। देन नीट का स्कोर कार्ड, आपने जो अभी अभी डाउनलोड किया होगा जब नीट का रिजल्ट आया है, ठीक है, जो अपडेटेड आया है बच्चों, वो रखिएगा अपने पास, ठीक है। देन नीट का सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक, आपकी रैंक के हिसाब से। देन यू नीड टू हैव कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि रिजर्वेशन के परसेंटेज है हमारे पास अलग अलग। देन यू हैव पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यू मस्ट नीड टू कैरी दिस। देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो 12th के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो सारे रखने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट काउंसलिंग में चाहिए होगा। देन ID प्रूफ, जनरली सबके पास आधार कार्ड है ही ऑब्वियसली, एंड गैप सर्टिफिकेट ड्रॉपर्स के लिए जिन्होंने 1 ईयर ड्रॉप लिया है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट बच्चों आपका जो भी आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी आपके स्लाइड में आपको किसी भी टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों, तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर योर नीट काउंसलिंग प्रोसेस, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।